स्लाव व्यूअर्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। व्यूअर्स, मैं अपना साउथ ईस्ट एशिया का ट्रिप खत्म करके आ गया हूं और आज आपको देने के लिए जा रहा हूं मलेशिया के वीज़े की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगी, बहुत फ़ायदेमंद होगी आपके लिए और ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, बहुत फ़ायदा होने वाला है आपका। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा बगैर किसी एजेंट के, आप ये वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं दुबई से और पाकिस्तान से। तो व्यूअर्स, शुरू करते हैं अपना वीडियो। आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो और आपको देते हैं इन्फॉर्मेशन मलेशिया के वीजे के बारे में। चेकलिस्ट मेरे सामने, नंबर वन आपने लेके जाना है पासपोर्ट, जो कि ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। नंबर टू, उसी पासपोर्ट की आपको दो कॉपियां चाहिए, यानी कि जो और कॉपियां भी A4 साइज पे पूरी आनी चाहिए, यानी कि पहले पेज की आप निकालोगे और दूसरा जिस पे पेज पे आपने साइन किया हुआ है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे साइन, उसकी दो कॉपियां निकालोगे। सेम इसी तरह इंडियंस के लिए भी है, सेम इसी तरह बांग्लादेशी के लिए भी है। और नंबर थ्री, आपको चाहिए एमिरेट्स आईडी की कॉपी। नंबर फोर, आपको चाहिए बैंक स्टेटमेंट। आपको चाहिए बैंक स्टेटमेंट जो कि दुबई से रिक्वायरमेंट है 3 मंथ्स की, 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट विद बैंक स्टैम्प के साथ चाहिए। ओरिजिनल लेके जाना, उसकी ना कॉपी चलेगी ना ऑनलाइन निकला हुआ स्टेटमेंट चलेगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। नंबर सिक्स, आपके एम्प्लॉय, जो आपका एम्प्लॉयर है उससे आपको नो ऑब्जेक्शन लेटर लेना है कि किस डेट से किस डेट आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है भाई, ये चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए कंफर्म होटल बुकिंग कि आपने होटल बुकिंग ली है, कहाँ पे स्टे करोगे और कितने दिन का स्टे कर रहे हो, उसकी होटल बुकिंग चाहिए और टिकट की कन्फर्मेशन चाहिए, ये चाहिए एम्प्लॉय के लिए। और अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो आपको भी नो ऑब्जेक्शन लेटर चाहिए और प्लस आपका ट्रेड लाइसेंस की कॉपी चाहिए। डॉक्यूमेंट सेम है और सेम 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट लगेगा। और सिंपल आपने ले आना है वीज़ा ऑफिस। वीज़ा ऑफिस कहाँ है इसका, मैं आपको बता दूँ, मलेशियन कॉन्सुलेट डायरेक्ट डील नहीं करता, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा VFS। और VFS के जो टाइमिंग है सुबह, आप सबमिशन टाइमिंग जो है वो 8:30 से लेकर 11 AM तक है और इसकी जो फीस है वो है 130 दिरहम। और 130 दिरहम में मैं आपको दिखाऊँगा के वीज़ा क्या कहते हैं, जब आपका वीज़ा लग जाता है तो वो यहाँ पर स्टिकर वीज़ा नहीं होता, यहाँ पे स्टैम्प वीज़ा होता है। मैं उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका मैं फोटो कॉपी डाल दूँगा कि वीज़ा किस तरीके का होता है, वो आप देख लेना। वीज़े का जैसे आपके पासपोर्ट पर स्टैम्प लगती है वीज़े की, उसमें कोई स्टिकर वगैरह नहीं है, पाकिस्तान से स्टिकर लगता है और यहाँ से सिर्फ स्टैम्प लगती है, तो वो मैं आपको दिखा दूँगा कि किस टाइप की स्टैम्प लगती है। अगर आपने सिंगल एंट्री वीज़ा अप्लाई करना है उसकी 130 दिरहम फीस है और अगर आपने मल्टीपल वीज़ा अप्लाई करना है तो उसकी 160 दिरहम फीस है। लेकिन मल्टीपल वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको अपनी आइटनरी मल्टी दिखानी पड़ेगी, ठीक है। ये तो हो गई आपकी मलेशिया के वीज़े की इन्फॉर्मेशन। इसके लिए किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ होटल बुकिंग बनवा लो भाई किसी के पास जाकर, 3 दिन की 4 दिन की, उसको होटल बुकिंग के पैसे दे दो, नहीं तो booking.com पे खुद बना लो, बहुत ईजी है। नंबर टू, टिकट रिजर्वेशन लेनी है किसी भी एयरलाइन वाले के पास जाओ, 50 दिरहम की टिकट रिजर्वेशन बना लो, फॉर्म आप खुद फिलअप कर लो और सीधे चले जाओ VFS और सबमिट कर दो अपनी डॉक्यूमेंटेशन। और उसके बाद इंशाल्लाह वो 2 दिन लेते हैं, दूसरे दिन आपका, तीसरे दिन आपको मैसेज आ जाएगा और आपका पासपोर्ट कलेक्ट हो जाएगा, कलेक्ट कर लोगे और आपको वीज़ा मिल जाएगा। बहुत सिंपल है दुबई से। अब मैं आपको देता हूँ पाकिस्तान से क्या है रिक्वायरमेंट। व्यूअर्स, चलें स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान से जो वीज़ा रिक्वायरमेंट है। इसमें कुछ चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं और कुछ चीज़ें थोड़ी सी टिपिकल भी हैं, लेकिन एक अच्छी बात भी इसके अंदर है, वो मैं आपको आखिर में चल के बताऊंगा कि क्या चीज़ अच्छी है। व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं इसकी चेकलिस्ट। नंबर वन, आपको पासपोर्ट वैलिड चाहिए जो ट्रैवल डेट से 6 मंथ होना चाहिए ट्रैवल डेट से। और नंबर टू, आपको फुल एप्लीकेशन इसकी 2 कॉपी लेके जानी है साथ में। नंबर थ्री, आपको लेके जानी है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वो भी 2 वाइट बैकग्राउंड के साथ। और नंबर फोर, आपको चाहिए ओरिजिनल पास ओरिजिनल CNIC की कॉपी कलर के अंदर जो A4 साइज़ पर आनी चाहिए। और नंबर फाइव, आपको पासपोर्ट की कॉपी भी इसी तरीके से चाहिए जो आपको A4 पे पूरी आ जाए। आप बेशक 2 पेपर पे ले लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक जो आपके जिसमें आपकी तस्वीर होती है और उसके अपोजिट जो पेपर होता है वो A4 पे पूरा आना चाहिए, ये ज़रूरी है बेशक। और उसका दूसरा पेज जो है उस पर साइन हुए होते हैं उसको भी इसी तरीके से आना चाहिए। और नंबर सिक्स, आपका है कवरिंग लेटर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है। कवरिंग लेटर के अंदर आपकी जॉब मेंशन होनी चाहिए, उसकी सैलरी मेंशन होनी चाहिए, आपका
ट्रैवलिंग का पर्पस मेंशन होना चाहिए, कितने दिन स्टे कर रहे हो वहाँ पर और कितनी इनकम है आपकी, सब चीज़ें उस कवरिंग लेटर में लिखी होनी चाहिए प्रॉपर। बस ये कवरिंग लेटर बनाते हुए ये ध्यान रखना कि जो डेट आप उनको ट्रैवलिंग की दे रहे हो वो उस पर मैंशन है या नहीं है। या ये नहीं करना कि डेट आप दे रहे हो अपनी ट्रैवलिंग की 10 और उस पर मैंशन कर दी 15, तो बाई मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ये ज़रूर आप डबल चेक करना, काफ़ी लोग इसकी मिस्टेक कर देते हैं, तो प्लीज़ इसको चेक कर लेना। और नंबर 7, बैंक स्टेटमेंट, जो कि यहाँ पाकिस्तान से रिक्वायर 6 मंथ का, ये थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए मैं आपको बोल रहा था, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट चाहिए। और 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपका प्रॉपर, आपकी अगर आप सैलरीड हो सैलरीड उस पर शो होनी चाहिए, और अगर आप एम्प्लॉयर हो तो उसके अंदर आपका अच्छी ट्रांजेक्शन शो होनी चाहिए, लेकिन मिनिमम 1 लाख से 2 लाख रुपए उसमें हो, इनफ है मलेशिया जाने के लिए। अब आपको एक और चीज़ बताऊँ, अगर आप बिजनेस वीज़ा अप्लाई करते हो तो उसके लिए इन्विटेशन काफ़ी है, बाकी सेम डॉक्यूमेंट्स है, सिर्फ इन्विटेशन ऐड कर देना तो आपको बिजनेस वीज़ा मिल जाएगा। अब एक और चीज़, जब आप इसको सबमिशन का टाइम, अब इसको रेडी हो गए आपके डॉक्यूमेंट और आपने सबमिट कर दें, पाकिस्तान के अंदर ये अच्छा है कि आप अपेयरेंस नहीं कर, अगर आपको खुद नहीं जाना तो आप किसी के भाई से, दोस्त से, ट्रैवल एजेंट के थ्रू भी आप जमा करा सकते हो, उसमें आपकी अपेयरेंस की ज़रूरत नहीं है, ड्रॉप बॉक्स में जमा करा दिया आपने और वीज़ा आपको आराम से 1 हफ्ते में 4 दिन में वीज़ा आपको आ जाना है, यानी कि ऑलमोस्ट तकरीबन 5 to 6 working days के अंदर आपका वीज़ा आ जाता है पाकिस्तान से, बहुत इजी प्रोसेस है। हाँ, पाकिस्तान से वीज़ा की फ़ीस, पाकिस्तान से 2 टाइप के वीज़ा होते हैं, एक होता है ई वीज़ा जो पाकिस्तान में आजकल चल रहा है, और दूसरा है आपका स्टिकर वीज़ा। दुबई से तो मैंने नहीं सुना किसी ने ई वीज़ा लिया हो, यहाँ से बहुत सिंपल है, 1 दिन में 2 दिन में स्टैम्प हो जाता है। पाकिस्तान से जो ज़रूरी है ना भाई मेरे, वो है, लोग प्रेफर करते हैं स्टैम्प वीज़ा। स्टैम्प वीज़ा इसलिए प्रेफर करते हैं कि वो जल्दी आ जाता है, और लेकिन उसमें थोड़ा सा पैसा ज़्यादा है। स्टैम्प वीज़ा की जो फ़ीस है वो है तकरीबन 12,500 रुपये, और ई वीज़ा की जो फ़ीस है वो तकरीबन 7,000 रुपये। लेकिन ई वीज़ा के अंदर तकरीबन हफ्ता भी लगता है, 10 दिन भी लगते हैं, 15 दिन भी लग जाते हैं, 20 दिन भी लोगों के लगे हैं कि नहीं आए हुए। इसलिए मैं ये प्रेफर करूँगा कि यार स्टिकर वीज़ा लगवा लो। स्टिकर वीज़ा लगवाने का ये अच्छा है कि आपका 3 से 4 दिन में, आपको 5 दिन में मैक्सिमम पासपोर्ट आपको मिल जाना है। लेकिन ई वीज़ा अप्लाई कर दिया तो फिर आप स्टिकर वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक उसका जवाब ना जाए, क्योंकि आप बंदे की ट्रैवलिंग डेट निकल गई तो फिर क्या फ़ायदा है। तो थोड़ा इस चीज़ को आप देखना, बेहतर है कि आप स्टिकर वीज़ा पर जाओ। स्टिकर वीज़ा के अंदर आपको रिस्पॉन्स जल्दी मिल जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो व्यूवर्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दी। इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको दूसरे वीज़ों की भी दूंगा, क्योंकि आगे अभी 2 और 3, जिसे कहते हैं कि मैंने और भी कंट्री गया हूँ, इंडोनेशिया हो गया और क्या कहते हैं थाईलैंड हो गया, इनकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, और यूरोप हो गया एज़ वेल, उसकी भी इंशाल्लाह आपको दूंगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया, तो उसको शेयर ज़रूर करना, जितना हो सके शेयर करना कि लोगों का फ़ायदा हो जाए, और मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा। अगर मैंने कोई गलती करी है तो ज़रूर बताना, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। और कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हो किसी भी वीज़े के बारे में, लेकिन इंशाल्लाह आगे चल के आपको मैं आपको दूसरी वीज़े की भी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को पुश कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सकें।